नवर समाचार कुचामन सिटी नागौर से सोनू पारिक की रिपोर्ट। कुचामन के कलकत्ता कॉम्प्लेक्स में कोरोना पॉजिटिव मिली महिला पुलिसकर्मी। कलकत्ता कॉम्प्लेक्स के आसपास लगाया कर्फ्यू। कुचामन शहर में मंगलवार को एक महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और भी सतर्क हो गया। SDM बाबूलाल चौधरी, डिप्टी नगाराम, CI रामवीर जाखड़ सहित नगर पालिका व प्रशासन का जाप्ता कलकत्ता कॉम्प्लेक्स पहुंच गया है। कोरोना पॉजिटिव मिली पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ कलकत्ता कॉम्प्लेक्स में रहती थी। प्रशासन के अनुसार महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी पर्वतसर में थी। प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने आमजन को कोरोना से बचाने के लिए कलकत्ता कॉम्प्लेक्स के आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं कलकत्ता कॉम्प्लेक्स व आसपास में फायर ब्रिगेड से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है। SDM के अनुसार कुछ ही देर में पॉजिटिव महिला पुलिसकर्मी को कलकत्ता कॉम्प्लेक्स से चिकित्सालय के COVID-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं महिला के संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लेने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि सुबह एक रिपोर्ट आई है, सुमन है जो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल है, पर्वत सर ड्यूटी करती है, वो यहाँ कुचामन में कलकत्ता कॉम्प्लेक्स में रहती है। 18 तारीख पहले 17 तारीख तक इसने स्कूटी से अप डाउन किया है अपने स्कूटर से और 18 से इसका सैंपल लिया है, आज भी पॉजिटिव आई है। इसके लिए तलाश वो कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। कितने लोगों के सैंपल अभी तो सुमन को तो यहाँ से जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। इसके साथ इसकी मदर है, इसकी छोटी सिस्टर है, इसके ब्रदर हैं, उनके फिलहाल हम सैंपल ले रहे हैं। फिर इसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल के CDR निकाल के और जो भी जितने उचित लगेंगे उनकी सैंपलिंग की जाएगी। कॉम्प्लेक्स में जितने ले रहे हैं क्या उनको भी सैंपलिंग यदि इसके कॉन्टैक्ट में आए हैं।